निगरा वजीर आजम अनवारुल्ला काकड़ ने न्यूयॉर्क में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। दो तरफा तावन को मजीद मुस्तहकम करने के अजम का इआदा किया। निगरा वजीर आजम ने न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात भी की। मुलाकात में दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को उजागर करते हुए वजीर आजम ने इन ताल्लुकात को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालती उमूर पर मुशावरत के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। इंतजामी मामलात को तेजी से निपटाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया। काजी फायज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दूसरा दिन इंतहाई मसरूफ रहा। उन्होंने तीन रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए 15 मुकदमात की समाअत भी की। और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वजीर को जमानत पर अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। अली वजीर के खिलाफ तिरनवल में जलसे पर एफआईआर दर्ज थी। अली वजीर पर दो मुकदमा थाना तिरनवल, एक मुकदमा थाना बारा को, जबकि एक एफआईए ने भी दर्ज किया हुआ था।